अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद खोखर और मैं हूं दानिश राजपूत। तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। तो सर बताइए, हम किस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं? तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं टॉप 5 फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया रेलवे। तो ये टॉप 5 जो बिल्कुल तेज ट्रेन है उस पर रिएक्शन देंगे। तो फिर बगैर एनालिसिस किए रिएक्शन देते हैं, लेट्स गो। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज रेल नेटवर्क में से एक है। यहाँ पर हर दिन सैकड़ों ट्रेनें चलती हैं, जिनमें लाखों यात्री सफर करते हैं। भारतीय रेल ट्रेनों की गति बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। हालांकि भारत सरकार ने निकट भविष्य में सेमी हाई स्पीड ट्रेन और हाई स्पीड बुलेट ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। फिलहाल देश में ऐसी कई ट्रेनें हैं जो काफी तेज गति से चल रही है। क्या आप जानते हैं कि वो सबसे तेज गति वाली ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों, आज हम सब भारत की इसी 5 सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन के बारे में जानेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस। यह एक हाई स्पीड ट्रेन है जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में 98 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस को 15 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। यह ट्रेन राजधानी दिल्ली को दूसरे शहरों से जोड़ती है। सोलह कोचों की यह ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित चेयर कार है, जिसमें यात्रियों को वाईफाई सेवा भी मिलती है। इस ट्रेन में मेट्रो ट्रेन की तरह स्वचालित दरवाजे होते हैं और इंजन भी दोनों तरफ होते हैं। यात्रियों को इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में खाना भी मिलता है, जिसकी कीमत उनके टिकट के किराए में पहले से ही शामिल होती है। वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में भारत की सबसे तेज यात्री ट्रेन है, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की क्षमता रखती है। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस अभी 2 रूट पर ही चल रही है। नई दिल्ली वाराणसी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज जंक्शन होते हुए वाराणसी जंक्शन तक जाती है। नई दिल्ली कटरा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अंबाला कैंट जंक्शन, लुधियाना जंक्शन, जम्मू तवी होते हुए कटरा पहुंचती है। गतिमान एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस से पहले गतिमान एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी में से एक है। इसे 5 अप्रैल 2016 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आगरा छावनी के बीच चलाया गया था। हालांकि बाद में साल 2018 में इसे झांसी रेलवे स्टेशन तक बढ़ा दिया गया। गतिमान एक्सप्रेस में LHP कोच है, जिसे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में बनाया गया। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाया गया। यह रेलगाड़ी एक तरफ जाने में 188 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 100 मिनट में तय करती है। नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। नई दिल्ली भोपाल हबीबगंज शताब्दी एक्सप्रेस उत्तर रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली एक ट्रेन है, जो नई दिल्ली और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक रेलवे स्टेशन हबीबगंज के बीच संचालित होती है। हालांकि नवंबर 2021 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापती रेलवे स्टेशन में बदल दिया गया। 2016 में गतिमान एक्सप्रेस के शुरुआत होने तक यह ट्रेन लंबे समय तक भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन बनी रही। नई दिल्ली आगरा रेलवे खंड के बीच 150 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति के साथ भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस हॉल्ट सहित 84 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। यह ट्रेन नई दिल्ली से मथुरा जंक्शन,
आगरा छावनी, ग्वालियर, झांसी होकर हबीबगंज, भोपाल तक पहुंचने में 8 घंटा 25 मिनट समय लेती है। नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भारतीय रेल नेटवर्क में सर्वोच्च प्राथमिकता वाली ट्रेनों में से एक है। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के बाद इसे दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता मिलती है। मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 140 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलने वाली भारत की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। इसका उद्घाटन 17 मई 1972 को हुआ था। यह अपनी शानदार गति और प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए लोकप्रिय है। यह नई दिल्ली से मुंबई तक कुल 1384 किलोमीटर की दूरी केवल 15 घंटा 50 मिनट में तय करता है। मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में केवल 6 मध्यवर्ती स्टॉप हैं, जो इसे मुंबई से सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा होकर न्यू दिल्ली की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी ट्रेन बनाती है। भारतीय रेलवे ने 19 जुलाई 2021 को मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को मुंबई नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बदल दिया। ओवरऑल मैं तो ये बोल सकता हूँ, शुभ संकेत है कि भाई पाकिस्तान के लोग अब भगवान राम को ढूंढने के लिए निकले और एक न एक दिन इनको भगवान राम मिल जाएंगे ताकि इनका कल्याण हो और ये जो नफरतों की दरिया इन लोगों ने बा रखे हैं उस पर ठंडक की बर्फ की है। नई दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस 12033 अप और 12034 डाउन। यह ट्रेन भी 140 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलती है, जो नई दिल्ली से कानपुर तक 440 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 55 मिनट में तय करती है। ये दोनों ट्रेनें एक साथ भारत में चौथी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। भारत में सबसे प्रतिष्ठित राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में से एक है हावड़ा राजधानी, जो नई दिल्ली को हावड़ा कोलकाता से जोड़ती है। इसका उद्घाटन 3 मार्च 1969 को किया गया था। यह ट्रेन देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन थी। यह देश की पहली वाईफाई सक्षम राजधानी ट्रेन है। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 88 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति के साथ भारत की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। यह अपनी यात्रा के दौरान 135 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति तक चलती है। रेल प्रेमी इस ट्रेन को प्यार से डकिन कहते हैं। 135 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलने वाली एक और ट्रेन है बीकानेर नई दिल्ली सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस 12259 अप और 12260 डाउन। यह ट्रेन भी 135 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलती है। ये दोनों ट्रेनें भारत में पांचवा सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। दोस्तों, आप इनमें से किस तेज गति वाले ट्रेन में सफर का आनंद? तो हम लोग तो किसी के अंदर भी नहीं बैठेंगे क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं। तो मजा आ गया यार, वीडियोस देखा टॉप 5 फास्टेस्ट, और पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रेल है, वो भी खत्म हो रही है। एक ही कलर की, एक तरह की पूरे पाकिस्तान में रेल है। इंजन चेंज होते हैं और एक जैसे ही होते हैं, पता भी नहीं चलता। अब ये जो है मेरे ख्याल से हर शहर का कलर तकरीबन मुख्तलिफ है। हाँ। और मजेदार गाड़ी देखने में लगती है। इंडिया में जो रेलवे का नाम है हमसे बड़ा अच्छा है। अब आपको बताते हैं नालवा का नाम क्या है। जब से पाकिस्तान में सिंध में सैलाब आया है, हमारी लामा इकबाल ट्रेन वहां पे गई है, अभी तक वापस नहीं आई। अभी तक नहीं वापस आई है। और सुबह दो ट्रेनें जाती हैं, एक लासानी और एक शाम को जाती है। एक जाती थी लामा इकबाल, वो तो फंसी हुई है, एक शाम को जाती थी, तो वो जाती है, वही वापस आती हैं। दो यानी दो जाती हैं, दो लाहौर में और लाहौर से दो वापस आती हैं। ये सूरत है पाकिस्तान। मजा आ गया वीडियो देखा।